हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्यामला एकेडमी ऑफ होटल मैनेजमेंट घनाटी शिमला। और आज हम बात करेंगे कि जो रेस्टोरेंट और होटल के अंदर जो कटलरीज यूज की जाती है उन कटलरीज के नाम क्या होते हैं और उन कटलरीज का यूज किन किन फूड के लिए एक होटल और रेस्टोरेंट के अंदर किया जाता है। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो कटलरी का टॉपिक है उसको हमने यहाँ पर दो भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमने पहले पार्ट में लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो कटलरीज आप होटल और रेस्टोरेंट के अंदर यूज करते हैं वो किस मेटल से बनी होती है और उनका डिजाइन किस तरह से होता है और उनका सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया क्या होता है जब आप अपना रेस्टोरेंट ओपन करते हैं या आप अपने रेस्टोरेंट के लिए कटलरी परचेज करते हैं या किसी रेस्टोरेंट में आप जब काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो गाइस जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए। इसका जो लिंक है वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो आज कटलरी का पार्ट टू है। पार्ट टू में हम आपको बताएंगे कि होटल और रेस्टोरेंट के अंदर जो कटलरीज यूज की जाती है उनके नाम क्या होते हैं और उन कटलरीज का यूज किन किन फूड के लिए किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा कटलरी नेम्स एंड देयर यूजेस, कि आपकी जो रेस्टोरेंट में कटलरीज यूज होती है उनके नाम क्या होते हैं और उनके किन किन फूड के लिए यूज किया जाता है। तो जो कटलरीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो कटलरीज के अंदर आपके स्पून आते हैं, फोक आते हैं, नाइफ आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके रेस्टोरेंट में यूज की जाती है ड्यूरिंग द सर्विसेज। तो उनके क्या क्या नाम है, तो आपके इसमें मेजरली आप सूप स्पून यूज करते हैं, डेजर्ट स्पून यूज करते हैं, सर्विस स्पून एंड फोक यूज करते हैं सर्विस के लिए, एंड देन टी स्पून यूज करते हैं जब आप अपने रेस्टोरेंट में टी कॉफी गेस्ट के लिए सर्विस करते हैं, देन एग स्पून यूज करते हैं, एंड देन स्टाइल नाइफ यूज करते हैं मेजरली इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, एंड देन आपके फिश नाइफ एंड फोक यूज किए जाते हैं, स्टेक नाइफ यूज किए जाते हैं, फ्रूट नाइफ एंड फोक भी यूज किए जाते हैं, नेक्स्ट आपका लार्ज नाइफ एंड फोक जिसको आप एपी स्पून बोल सकते हैं यूज किए जाते हैं, उसके बाद आपके जो डेजर्ट स्पून एंड टेबल फोक भी यूज किए जाते हैं, एंड देन संडे स्पून। तो ये स्पून है जो आपके रेस्टोरेंट में यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द सर्विसेज। तो चलिए आप जानते हैं कि इनका यूज किन किन फूड के लिए किया जाता है जब आप रेस्टोरेंट में अपने गेस्ट को सर्विस करते हैं। तो जो आपका सूप स्पून है, पहली जो कटलरी है सूप स्पून, तो सूप स्पून का यूज आपका थिक सूप के लिए किया जाता है। तो जो नेक्स्ट है आपका डेजर्ट स्पून, तो डेजर्ट स्पून का यूज आपका फॉर अ थिन सूप, तो डेजर्ट स्पून आप ऑप्शनली थिन सूप के लिए यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सीरियल के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आपके सर्विस स्पून एंड फोक, तो सर्विस स्पून एंड फोक आप अपने फूड को सर्विस करने के लिए किया जाता है जब आपका कोई भी फूड या कोई भी डिश पॉट में जब सर्विस होती है गेस्ट के सामने तो उसमें आप सर्विस स्पून एंड फोक यूज करते हैं फूड डिश से लेकर गेस्ट की प्लेट तक। तो ये आपका सर्विस का काम करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका टी स्पून, तो टी स्पून का यूज आपका टी कॉफी अकॉम्पनीमेंट्स, फ्रूट कॉकटेल्स एंड स्वीट्स। तो जो टी स्पून है उसका यूज आप टी कॉफी के लिए करते हैं, साथ ही साथ उसका यूज ऑप्शनली अकॉम्पनीमेंट के लिए यूज किया जाता है जो आपके फूड के साथ जाते हैं, और साथ ही साथ फ्रूट कॉकटेल और स्वीट्स जो आपके कप या स्मॉल ग्लासेस में आप सर्व करते हैं, फ्रूट कॉकटेल और स्वीट्स, तो उसके साथ आप टी स्पून सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एग स्पून, तो एग स्पून आपका एग के लिए यूज किया जाता है। तो एग स्पून है उसकी पहचान कैसे करनी है, तो आपका जो एग स्पून है वो आपका टी स्पून से थोड़ा सा छोटा और आपका कॉफी स्पून से थोड़ा सा बड़ा होगा। नेक्स्ट है आपका साइड नाइफ, तो साइड नाइफ का यूज मेजरली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में किया जाता है और इसको प्लेस किया जाता है प्लेस्ड ऑन द साइड प्लेट, जो आपकी साइड प्लेट कवर में लगाई जाती है उसके साथ इसको उसके ऊपर इसको प्लेस किया जाता है और इसका यूज आपका ब्रेड टोस्ट रोल्स एंड चीज के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका फिश नाइफ एंड फोक, तो फिश नाइफ एंड फोक का यूज आपकी जितनी भी तरह की डिशेज होती है आपकी फिश की उसके लिए आप इसको सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेक नाइफ, तो स्टेक नाइफ का यूज आपका फॉर अ स्टेक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रूट नाइफ एंड फोक, जो आपकी फ्रूट नाइफ एंड फोक है उसका यूज आप डेजर्ट के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बताया था कि जो डेजर्ट स्पून है उसको ऑप्शनली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सीरियल के लिए और थिन सूप के लिए किया जाता है, और यहाँ पर जो आपकी फ्रूट नाइफ एंड फोक है उसका यूज आप डेजर्ट के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लार्ज नाइफ एंड फोक, तो लार्ज नाइफ एंड फोक को हम
एपी स्पून भी बोलते हैं, ऑल पर्पज स्पून, जिसको आप कवर सेटअप के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए आप फॉर मेन कोर्स के लिए यूज करते हैं, जो भी आपका मेन कोर्स आपके रेस्टोरेंट में सर्व होता है उसके लिए आप लार्ज नाइफ एंड फोर्क यूज करते हैं, जिसको हम एपी स्पून भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट स्पून एंड टेबल फोक। तो डेजर्ट स्पून एंड टेबल फोक का यूज आप ऑप्शनली स्पैगेटी, जो आपका पास्ता है उसके लिए आप सर्व कर सकते हैं। उसको आप जो प्लेसिंग पोजिशन है उसका आप स्पून का लेफ्ट साइड है एंड फोक का राइट साइड रहेगा। नेक्स्ट है आपका संडे स्पून। तो संडे स्पून आपका आइसक्रीम और शेक, जो आपके टॉल ग्लासेस होते हैं उसको स्टर करने के लिए आप संडे स्पून सर्विस करते हैं गेस्ट के लिए। तो ये सारी जितनी भी कटलरीज हमने आज आपको यहाँ पर बताई है, जिसमें स्पून है, फोक है, नाइफ है, ये कॉमनली यूज होने वाले कटलरीज है जो आप रेस्टोरेंट के अंदर यूज करते हैं। और भी बहुत तरह की कटलरीज है जिसको हम एक नई वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई और कटलरीज है जो इस वीडियो में छूट गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम एक पूरी वीडियोस बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो में अंतिम तक बनने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।